हेलो, गुड इवनिंग। और गुड आज जो इवनिंग। हमारी क्लास है, आपको मालूम है कि हमारा जो ये सीआईबी का ऑपरेशनल रिस्क जो हो रहा था, ऑपरेशन रिस्क का सेकंड चैप्टर कल हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। और इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं आपसे एक जनरल बात पूछना चाहूँगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था, उस लेक्चर में क्या पढ़ा था बताइए। तो कभी ना कभी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना रात में। सर नहीं, नहीं, अभी ब्रेक नहीं करेंगे हम। हाँ तो कल 3 से 4 क्लास है, 4 से 6 खेल लेना। क्या दिक्कत? सर, नेट इनकम से ग्रॉस इनकम कैसे निकाला जाता है, वहां ये से हमने हाल कल नहीं पढ़ा था। परसों। तो ऑपरेशनल रिस्क जो होता है काउज बेस्ड होता है, इफेक्ट बेस्ड, और इवेंट इवेंट बेस्ड, बेस्ड इवेंट बेस्ड, ठीक है। होता जो और उसके कॉज बाद बेस्ड है और इफेक्ट बेस्ड है, वो कौन से पेपर में डिफाइन किया था बेसल ने? सब पेपर टू सेकंड में पेपर में, डिफाइन किया था। सेकंड हाँ, कंसल्टिव कंसल्टेंट, पेपर 2 में डिफाइन किया सेकंड था। कंसल्टेंट, और इवेंट वाला 3 में थर्ड सर, में, थर्ड में, थर्ड ठीक है। कंसल्टेंट। अच्छा, उसके बाद हमने, जब हमने ये पढ़ लिया कि इवेंट बेस्ड में ये चीजें होती हैं, इलेवन उसके बाद हमने क्लोज पढ़ा कि ऑपरेशनल रिस्क के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं, है, यस सर, ठीक है। इलेवन प्रिंसिपल। तो पहले तो यह है कि इवेंट बेस्ड में ये चीजें हैं, इफेक्ट बेस्ड में ये चीजें हैं, और आपका कॉज बेस्ड में ये चीजें हैं, ठीक है। रिवाइज जरूर करना पड़ेगा अगर आपको एग्जामिनेशन तक थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप केवल हेडिंग भी अगर आप देख लेते हैं तो भी वो रिविजन में आता है, आप पढ़े नहीं, हेडिंग भी देख लें तो भी वो रिवीजन में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमने ये सारे इवेंट बेस्ड पढ़े, और जब प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल तो सबसे पहला प्रिंसिपल, जो दो प्रिंसिपल थे, वो हमारे कौन से प्रिंसिपल में था? प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट, प्रिंसिपल 1 2 था। उसके बाद क्या आया था? गवर्नेंस, 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 गवर्नेंस। और उसके बाद क्या आया था? सीनियर मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, नहीं, ये रिस्क एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन, गवर्नेंस का ही गवर्नेंस में पार्ट ही है सीनियर सारा। मैनेजमेंट। हाँ ठीक है सर, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो हम लोग हायरार्की पढ़ रहे थे, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, दिस इज द यस पार्ट ऑफ गवर्नेंस। और गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है किसी, वैसे हिंदी में सुशासन बोलते हैं सर, मतलब कोई अच्छी तरह से काम करने के तरीकों को हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस यस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करना है, सीनियर बोर्ड मैनेजमेंट ने क्या ऑफ करना रोल है, ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना सर। ठीक है। तो दोनों का आ गया। अच्छा, उसके बाद आया था रिस्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट में जो हमारे 4 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और मिटिगेशन, मिटिगेशन, ठीक मिटिगेशन, है। जब यस से आपने बासिल को हमारे साथ से शुरू किया है, शायद उससे पहले ये 4 वर्ड आपको बहुत फेमिलियर नहीं होंगे। यस सर। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, 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 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और मिटिगेशन। मिटिगेशन, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कर दिया था। असेसमेंट करता। जो मेजरमेंट को वर्ड यूज किया था, यहाँ पे क्या कर दिया था? असेसमेंट। सर ये चारों के साथ प्राइसिंग ऐड ऐड है क्या अभी? प्राइसिंग भी एक अभी कहीं चर्चा चल रही है कि एक और आ गया प्राइसिंग। एक और क्या आ गया है? प्राइसिंग, ठीक है। तो वो कहीं मौके पर, कहीं अगर मेरे को कंटेंट मिलेगा तो मैं एडिशनल आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट प्रिंसिपल 6 7 में है, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग 8 में है, कंट्रोल मिटिगेशन 9 में है, और एक मैंने मोदी जी को याद करते हुए एक बात बोली थी, बिजनेस रेजिलियंस एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है। इतना हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्या था कि जो पॉलिसी बनेगी ऑपरेशनल रिस्क प्रैक्टिसेस में, जो पॉलिसी बनेगी उसमें ये 4 चीजें जो है वो होनी चाहिए, और उस पॉलिसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या आएगा कि ऑपरेशन रिस्क की जो पॉलिसी होती है उनमें से क्या चीज कवर नहीं करती, 3 तो इसमें से उठाएगा, ठीक है, एक कुछ और उठा देगा। जैसे जो थर्ड वाला, सेकेंड वाला लिखा ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो वहां पे वो लिख देगा ऑपरेशनल रिस्क तो लिखेगा, लेकिन वर्ड जो है वो वर्ड कोई और डाल सकता है वहां पे, ठीक है। यस
चलो, और यहां पर हमने रोका था आपको, हमने बोला था इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जैक्टली हमारे जैसा क्रेडिट रिस्क में होता है सेम उसी तरह से लगभग काम करेगा। ठीक है, पढ़े इसको। यस सर। रोल ऑफ बोर्ड, तो जैसा हमने क्रेडिट रिस्क में पढ़ा था लगभग वैसा ही रोल यहां पर भी होगा। क्या है इसकी? टू मैनेज एंड इंप्लीमेंट द ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क। ऐसे ही क्रेडिट रिस्क में आता था, टू मैनेज एंड इंप्लीमेंट द क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क, यानी ओवरऑल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? बोर्ड की। जब जेल जाते हैं तो कौन जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं जाते, जाते हैं डायरेक्टर। हाँ ठीक है, आगे। इट शुड अप्रूव बैंक्स ORM ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड रिव्यू इट्स पीरियडिकली। द फ्रेमवर्क शुड प्रोवाइड अ फर्म वाइड डेफिनेशन ऑफ, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, क्या है देखने जरा, ऑपरेशनल रिस्क है बुक में, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो फर्म वाइड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ ऑपरेशनल रिस्क इज टू बी आइडेंटिफाइड, असेस्ड, मॉनिटर, कंट्रोल एंड मिटिगेटेड। तो ये चारों स्टेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड पुट इन प्लेस अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर ORM फ्रेमवर्क। तो हम लोगों ने, अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम एडवांस मेजरमेंट अप्रोच देख रहे थे तो उसमें ऑडिट का रोल था, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का रोल था ना? यस सर। आउटसाइड इनसाइड सिनेरियो, द बोर्ड मस्ट डेलीगेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डे टू डे एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज इफेक्टिवली। और बेसिकली मैंने एक बात और बताई है कि कभी भी बोर्ड कोई काम नहीं करता, वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए क्या करता है वो, क्या करेगा? सीनियर ऑफिशियल, इन्हीं को वो डेलीगेट कर देता है, सीनियर जो मैनेजमेंट है उसको करेगा। ठीक, अब बात आती है जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है? द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शुड आइडेंटिफाइड द ऑपरेशनल रिस्क टू विच द बैंक इज एक्सपोज टू। ठीक है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, सेट क्लियर गाइडलाइन ऑन रिस्क असेसमेंट मेजरमेंट एंड एंश्योर एडिक्वेसी ऑफ रिस्क मिटिगेटिंग कंट्रोल। तो ये काम जो कमेटी है उस कमेटी को किसने दिया हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे, द कमेटी हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंट करने की। उसकी तो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? बोर्ड की। लेकिन कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी आपने ORM फ्रेमवर्क बनाया है और जो कि किसने अप्रूव किया हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड उसको इंप्लीमेंट करना। क्रेडिट में जैसे सीपीसी होता है ना, इसमें क्रेडिट में सीसी होता है, सीपीसी क्रेडिट में, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट में क्रेडिट पॉलिसी होती है ना, उनकी कमेटी होती है उस तरह से। हाँ हाँ ठीक। आगे, द फ्रेमवर्क शुड बी कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द होल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल ऑफ स्टार, ये स्टार नहीं होगा, स्टाफ, should understand their responsibilities with respect of ORM. The committee also has responsibility for developing policy, process, ये पहले भी आ गया था, policy, process, procedure, ये सब चीज कौन करता है? Management committee करती है। ठीक है, in all of the bank's material product, product के बारे में भी यही बात कर रहे हैं, process के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। अच्छा, एक चीज बताइए, ये मार्केट रिस्क में प्रोडक्ट का नाम क्यों नहीं आता? ओनली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है ना, मार्केट इस इन्वेस्टमेंट पे ये करती ना फोकस, मतलब उसकी वजह से वो बेसिकली मार्केट रिस्क कवर करता है जो हम लोग
किसी और के प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। वो प्रोडक्ट आप नहीं रिवाइज कर सकते, वो प्रोडक्ट काउंटर पार्टी के प्रोडक्ट है, इसलिए मार्केट रिस्क में कहीं पर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात नहीं आती है। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने जब एग्जांपल दिया था, मैंने बोलता है एक जनरल परचून का स्टोर का शॉप है, वहां पर वो फोटो स्टेट का रखता है, वो दिवाली में पटाखे बेचता है, रक्षाबंधन में राखी बेचता है, तो उस जनरल स्टोर के लिए वो सब प्रोडक्ट है, तो उसको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा आइटम बेचू या कौन सा नहीं बेचू। ठीक है, आगे रोल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अभी तो वहां कमेटी की बात आई थी, अब कौन आ गया? डिपार्टमेंट ORMD नाम आ गया। तो ये क्या करता है यहाँ पे, इसका काम देखिए, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट। तो काम तो कर रही है कमेटी, लेकिन उस कमेटी ने ये काम किसको दे दिया फर्दर? डिपार्टमेंट को। और वो काम वही कर रही है, क्या कर रही है? आइडेंटिफाइंग, मैनेजिंग एंड क्वालिफाइंग। क्वांटिफाइंग का मतलब मेजरमेंट या असेस करना। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है? रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। ORMD इन कंजक्शन विद ग्रुप्स, यानी इन सब ग्रुप से मिलके लेस डाउन जो आपके प्रोसीजर्स लेट डाउन है फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रिस्क, उन सब चीजों को क्या है, जोड़ता है। ठीक है, द डिपार्टमेंट शुड आइडेंटिफाई एंड असेस ऑपरेशनल रिस्क इनहेरेंट इन ऑल मटेरियल प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं उसमें क्या ऑपरेशनल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करता है और असेस करता है, उन एक्टिविटीज को असेस करता है, उन प्रोसेसेस को एसेस करता है, उन सिस्टम्स को एसेस करता है। तो क्या कर रहा है डिपार्टमेंट? आइडेंटिफाई कर रहा और एसेस कर रहा। इट शुड आल्सो इंश्योर दैट बिफोर न्यू प्रोडक्ट एक्टिविटी प्रोसेसेस या सिस्टम, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, नई एक्टिविटी ला रहे हैं, नया प्रोसेस ला रहे हैं या नया सिस्टम ला रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको अंडरटेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या करता है वो, रिस्क ऑपरेशनल रिस्क इनहेरेंट इन देम इज सब्जेक्ट टू एडिक्वेट असेसमेंट प्रोसेस प्रोसीजर। तो कहने का मतलब, अगर कुछ भी ला रहे हैं तो आपको उसके अंदर जो रिस्क है उसको क्या करना है, एडिक्वेट असेसमेंट प्रोसीजर से करना है। ठीक है, द डिपार्टमेंट हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ टू रेगुलरली मॉनिटर ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल एंड मटीरियल एक्सपोजर टू लॉसेस एंड रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन टू सीनियर मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि सीनियर मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो आप बोलोगे ORMD। ठीक है, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी यही प्रोवाइड करता है, दैट सपोर्ट्स द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ। और उससे क्या होता है, इनको क्या मदद मिलती है कि अपने ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव रूप से वो क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। ठीक है, चलो अब आया हमारा रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, ये वाला रोल वहां नहीं था क्रेडिट रिस्क में। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट का बैंक के प्रोडक्ट को चेक सर, वहां पर क्रेडिट रिस्क में सर अप्राइजल में था ना, क्या था अप्राइजल था ना, अप्राइजल हाँ हाँ, अप्राइजल तो वो केवल लोन का कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट का अप्रेजल नहीं करते। अच्छा, ये जो ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट है वो आपके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करता है, और क्रेडिट डिपार्टमेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को सेल करता है। अच्छा, ठीक है सर, वहां पर जैसे कि एक मैट्रिक्स रहता है, चार ऑफिसर, थ्री टू फोर ऑफिसर का मैट्रिक्स रहता है, यहाँ पर वैसा कोई है नहीं? यहाँ पर नहीं, देखो सुनो, क्रेडिट रिस्क में जो कमेटी होती है जिसमें तीन या चार ऑफिसर होते हैं, उनका काम है एक प्रोडक्ट जो कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ने ओके किया हुआ है, अच्छा, उस प्रोडक्ट पे काम करना। अगर उसकी कोई कमी है तो वो किसको
नोटिफाई कराएंगे, बोलिए आप लोग बोिए, नहीं बोल रहे तो बहुत ऊपर पर निकल जाएगा। ओआरएमडी को बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ओआरएमडी उसको रिव्यू करेगा उस प्रोडक्ट को। बार बार चार पांच शब्द आ रहे थे, देखो क्या शब्द आ रहे थे, एक तो आ रहा था बार बार प्रोडक्ट, प्रोसीजर, प्रोसेस, सिस्टम आ रहा था सारे। इन सब चीजों को जो बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चल रही हैं, इनको क्या करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना, ठीक है, एमेंड करना, ड्रॉप करना या न्यू प्रोडक्ट को लाना, ये सारा काम किसका है, ऑपरेशनल ओआरएमडी का, ठीक है। तो यहां पर अभी ऑडिट की बात आई, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज द इन द ऑपरेशनल रिस्क प्रोसेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि उनको क्या काम करना है क्लियरली डिफाइन होता होना चाहिए। दिस शुड इंक्लूड कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट ऑन द ओआरएम फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे उसने बोला कि जो ओआरएम फ्रेमवर्क में जैसा ऑडिट करने को बोला गया है वैसा ये क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, so as to assess the its effectiveness, और इसलिए करेंगे कि देखेंगे कि भाई कितना सही चल रहा है। The internal audit functions should be operationally independent. यहाँ एक बहुत important point आ गई, इसको ध्यान रखिएगा, भी बताऊंगा, explain करूंगा, and should not be directly responsible for operational risk management. देखो कितनी अच्छी बात हो गई कि operational risk management की responsibility auditors की नहीं है, उसका काम है इंडिपेंडेंटली बताना कि भैया ये जो आप काम कर रहे हैं कैसा चल रहा है। यहां लिखा हुआ है शुड नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, उनका काम केवल इंडिपेंडेंटली काम करना है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, सीनियर मैनेजमेंट के अंडर में काम नहीं करेगा, ऑडिट डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है ऑडिट डिपार्टमेंट। सर अगर वो अंडर में काम करेगा तो बता ही नहीं पाएगा उसमें क्या लूप, नहीं बताएगा ना कि बहुत नाराज हो जाएगा सर। यही काम तो एल्को का भी है, तो एल्को क्या करता है, वो तो फंड नहीं, वो तो एसेट और लायबिलिटी को फंड है, फंड को मैनेज करता है, यहाँ ये प्रोडक्ट को मैनेज करता है सर। मगर रिस्क का भी उसका एक्टिविटी रहता है, जो सब कमिटी रहता है ना एल्को का, क्या किस फिर से बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि एल्को का जो सब कमिटी रहता है वहां पर, उसको वो भी रिस्क एसेस करता है, उसका मिड ऑफिस या बैक ऑफिस भी ये काम करता है, कौन सा ठीक है, वो रिस्क किस पे एसेस करता है बताइए। चलिए सर किसका माइक में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे ये कुत्ते तो हमारे पड़ोस के हैं यार, बड़े परेशान हैं हम भी। अब कोई ऐसा माइक ना पड़ेगा जिस, हाँ हमारे अलावा कोई, हाँ बोलिए अरिंदम, बोल रहे थे बोलिए। हाँ वो तो मैं बोल दिया, मैं बोल रहा था कि वो जो बैक ऑफिस या मिड ऑफिस रहता है एल्को में, वो भी मार्केट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क का काम करता है, और उसको करके वो फॉरवर्ड करता है उसका जो सब कमिटी रहता है उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भी ये काम कर रहा है, ओल्को का सब कमिटी भी ये काम कर रहा है, इसलिए जानना चाहता हूँ कि हेलो हाँ ये कंफ्यूजिंग है ना, इसका कौन काम है। नहीं मैं बताऊँ कि ओल्को जो काम करता है वो सिर्फ फंड को मैनेजमेंट का काम करता है, जो ये ऑडिटर है ये कई सारी चीजों को देखता है, केवल प्रोडक्ट को नहीं देखता, आपके सिस्टम को भी चेक करता है, आपके वहां प्रोसीजर को भी चेक करता है, इसका काम ज्यादा बड़ा है ऑडिटर का। यस और ये जो ऑडिटर है ना ये आपके ओल्को का भी ऑडिट कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन ओल्को वाले इनका ऑडिट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोला हुआ है कि ये डायरेक्ट किस पे, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल करते हैं,
ठीक है और देखते हैं डायरेक्टली सीजीएम के अंडर होता है सर किसके सर डायरेक्टली अंडर सीजीएम होता है सर रिपोर्टिंग टू सीएमडी सर ऑडिट डिपार्टमेंट हाँ. ये तो मतलब बीच में नहीं आ रहा ना कोई इसमें नो नहीं नहीं सर वर्टिकल हेड डायरेक्ट वर्टिकल हायरार्की जो है वो बाईपास करी हुई है पूरी नहीं तो वो डीजीएम के दबाव में आ जाएंगे ना ठीक है चलो आगे देखते हैं इस चैप्टर में आगे दो तीन बातें बहुत अच्छी आने वाली हैं आपको भी अच्छा लगेगा ठीक है यहाँ देखो प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क इंक्लूड द फॉलोइंग यहां से वन क्वेश्चन बन सकता है क्या क्या चीजें मैपिंग मैपिंग जानते हैं दो चीजों को साथ में लाना देखना उसको ठीक है मैपिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल कि किस प्रोसेस से कितना रिस्क हो रहा है और उसको क्या कंट्रोल करने तो अलग अलग प्रोसेस को रिस्क से आइडेंटिफाई और कंट्रोल करना द की बिजनेस प्रोसेसेस इन द बैंक मस्ट बी मैप इनटू सब प्रोसेसेस यानी जो भी की बिजनेस प्रोसेस का मतलब है जैसे आप बैंक में क्या करते हैं लोन की प्रोसेसिंग करते हैं आप इन्वेस्टमेंट की प्रोसेसिंग करते हैं आप डीमेट अकाउंट्स की प्रोसेसिंग करते हैं आप चेक कलेक्शन की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसने कहा ये जो जितने भी प्रोसेस हैं उनको सब प्रोसेस में ग्रुप करना है पहले दिस शुड बी जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द ऑपरेशनल रिस्क ग्रुप एंड बिजनेस ग्रुप दो लोगों के बीच है बिजनेस ग्रुप और ऑपरेशनल रिस्क ग्रुप को साथ क्यों लाए गए जरा बताएं तो ये इसी का पार्ट है ना सर नहीं हाँ ये बिजनेस ग्रुप का मतलब है लोन बांटना डिपॉजिट लाना ड्राफ्ट बनाना क्रेडिट कार्ड सेल करना ये इनका काम है जबकि ऑपरेशनल रिस्क ग्रुप का क्या काम है ऊपर पड़ रहे थे हम लोग कि जो भी हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है वो कैसा चल रहा है तो कह रहा है कि प्रोसेस रन करना प्रोसेसेस रन करना यहां बोला दिस शुड बी जॉइंट एक्सरसाइज तो बिजनेस प्रोसेसेस को सब प्रोसेस में मैप करना ये दोनों लोगों का जॉइंट एक्सरसाइज है यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है और जब यहां से इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा तो दुनिया के किसी एमसीक्यू में क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा आपको ठीक आगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच टू एग्रीगेटिंग एंड असेसिंग ऑपरेशनल रिस्क क्या बोलता है इसने कि जो क्वालिटेटिव अप्रोच है अगर आपको ध्यान होगा हमने कई बार एक बात बताई थी कि जो भी रिस्क होता है उसकी दो अप्रोच होती हैं एक क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव कई बार हमने लेक्चर में वर्ड यूज किया हुआ है तो कहता है क्वालिटेटिव अप्रोच टू एग्रीगेटिंग एंड असेसिंग ऑपरेशनल रिस्क इनको एग्रीगेट करना और उनको असेस करना ठीक है ये पीटर ड्रेकर का पॉइंट है ना क्या चीज पीटर ड्रेकर का है पीटर ड्रेकर जो है ना एचआर में वो क्वालिटेटिव अप्रोच का अच्छा पीटर ड्रेकर हाँ तो क्या है सर वो बोल वो चीज अलग है वो चीज पीटर ड्रकर का क्वालिटेटिव वो है काम की क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर रिस्क प्रोडक्ट हाँ रिस्क है प्रोडक्ट है उसके बारे में बात हो रही है ठीक है चलो आगे अ सिस्टम टू क्वालिटेटिवली एनालाइज द ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल यूजिंग अ क्या है स्कोर कार्ड अप्रोच शुड बी इंप्लीमेंटेड जैसे आप लोग पर्सनल लोन देने में स्कोर कार्ड अप्रोच रखते हैं इस तरह से कुछ ठीक है अब वो कैसे स्कोर कार्ड करेगा आपको पता है कि जब ऑडिटर आता है तो देखता है आपने पासबुक रजिस्टर मेंटेन किया तो एक नंबर मिल गया ठीक है आपने इक्विटेबल मॉर्गेज बढ़िया बना रखा तो 2 मार्क्स मिल गए तो एक कौन सी अप्रोच कहलाएगी क्वालिटेटिव स्कोर कार्ड तो क्वांटिटेटिव
स्कोर कार्ड तो सर उससे निकलेगा ना, रिस्क से तो क्वांटिटेटिव नहीं हो जाएगा। क्या कहते हैं बताओ, चलो। अच्छा ये कि ये आपका कहने का मतलब है ये क्वांटिटेटिव हो गया। यस सर। क्वांटिटेटिव में जो बिजनेस के रिजल्ट आते हैं ना उनको, उनको यूज करते हैं। ये आपका एक तरह से ग्रेड है, ये क्या है आपका ग्रेड है। हाँ अगर ऐसा होता कि वो ये पूछता कि इस बिजनेस में कितने रुपए का बिजनेस हुआ, तो 200 करोड़, तो दिस इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग आप जो स्कोरिंग कर रहे हैं तो उसने उसको क्वालिटेटिव माना कि किस कितना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं आप, ठीक है। दिस वुड इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय द बिजनेस ग्रुप। अब यहां पर एक पॉइंट आया कि वो जो बिजनेस ग्रुप है वो अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा एंड नॉर्मलाइज एंड कलेक्शन बाय ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां पे आपने देखा होगा आजकल सेल्फ ऑडिट वाला सिस्टम चल रहा है आपके बैंक में। रेगुलर ऑडिट जो होता है वही होता है सर, जो एक साल में एक बार होता है? नो नहीं, वो तो उनका ऑडिट हो गया, सेल्फ ऑडिट चल रहा है सिस्टम में बैंक में आपके, सेल्फ ऑडिट किसी किसी बैंक में। वो कहते हैं पहले अपने आप अपना ऑडिट करके रिपोर्ट भेजिए। यस सर, चलता है सर, ओएसएस हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद आप जब आपने भेज दिया तो वो कहता है उसके बाद उसको जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट ORMD है वो उसको क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। नॉर्मलाइज का मतलब वो देखेगा कहीं ज्यादा नंबर तो नहीं दे दिए या कहीं बहुत कम तो नहीं दे दिए, ठीक है। यस सर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच, अब आ गया आप देखो, टू एसेसिंग ऑपरेशनल रिस्क न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस। यहां पर कौन सी अप्रोच आ गई, क्वांटिटेटिव। और ये अप्रोच के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एसेस करना पड़ेगा क्या, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। किन के लिए, न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस, ठीक। चलो अब आता है हमारा कौन सा, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क। तो अब यहां पे देखिए क्या है रिस्क। अच्छा क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं या YouTube पे जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको ये उम्मीद है कि ये जो क्लास है हमारी ऑपरेशनल रिस्क वाली या मार्केट रिस्क वाली, ये किसी छोटे बच्चों की स्टोरियों की तरह चलेगी और हम जल्दी से उसे याद कर लेंगे, इतनी इजी है नहीं है। और लेंथी है, ये भी मेरी गारंटी है कि अकेले पढ़ने में तो मैं समझता हूं कि 0.5% स्टूडेंट इसको शायद अकेले पढ़ पाते होंगे पूरा। रिकॉर्डिंग तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग हैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली आंखें बिल्कुल स्क्रीन में रख के, कान को खुला रख करके अंदर तक जितना ले जाएंगे उतने समय तक वो लंबे समय तक आपको रिकॉल हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और आपको कोई ऐसे नहीं लिखना है वहां पे, आपको जो दिए हुए गिवन ऑप्शंस हैं उनको मैच करके सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक। और ये वाले वो क्वेश्चन है जो एग्जाम से जब लोग बाहर आते हैं तो कहते हैं एक ऑपरेशनल रिस्क से क्वेश्चन आया था लेकिन वो याद नहीं आ रहा, वो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। चलो तो रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, कैसे हम उसको मॉनिटर करें और कैसे हम उसको कंट्रोल करें। तो क्या कहता है, सबसे पहले अगर आपको करना है तो क्या करें, कलेक्ट करें ऑपरेशनल रिस्क डेटा, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि क्या क्या हुआ, कौन सा प्रोडक्ट आने से क्या हुआ, स्ट्राइक होने से क्या हुआ, फ्रॉड होने से क्या हुआ, ये हुई। सेकंड, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर मॉनिटरिंग एनी डिटोरिएशन इन द ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल। जो आपने ऑपरेशनल रिस्क का पूरा प्रोफाइल बना रखा है
उसमें कोई डिटोरिएशन हो रहा है, गिरावट आ रही है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसका रेगुलर मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने का सिस्टम बनाना। कोलेशन ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग डेटा टू असेस फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इवेंट। ये वाला जो वर्ड आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये आपका एक न्यूमेरिकल आता है, आगे हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, पहला उसने बोला कि एसेस फ्रीक्वेंसी कितने बार होता है, ठीक है, और उसके कितने बार होता है, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इवेंट। तो हमने देखा था कि हमने थर्ड कंसल्टेटिव पेपर में जितने ऑपरेशनल रिस्क हैं वो किस पे बेस कर लिए हैं, इवेंट बेस करे हुए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इवेंट। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ किसका, लार्ज एक्सपोजर, द मॉडेलिटीज टू बी प्रेस्क्राइब्ड इन द लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और जो लार्ज एक्सपोजर से रिलेटेड मॉनिटरिंग कंट्रोल है उसकी मॉडेलिटीज को आपको लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डालना है। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन बता दीजिए कि आज की तारीख में जो आरबीआई का जो एक्सपोजर नॉर्म्स है वो मैक्सिमम इंडिविजुअल को कितने परसेंट दे सकते हैं, 20% कितना एडिशनल, 5% 20% प्लस 15% है, और यदि एडिशनल 5% दे सकते हैं जबकि उसके कुछ लिखा होगा उसमें 20% है, 20 है, आपने परसों पढ़ा है 20% है, और ग्रुप के लिए क्या है, ग्रुप 25, ठीक है। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 10वें में, ये आपने अभी जेआईबी में पढ़ाया था सर, जेआईबी में था, वर्किंग कैपिटल क्रेडिट मैनेजमेंट में, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में था। और ये जो 2025 वाला, मैं इसको मिस नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं आपको दोबारा वहां लेके चल रहा हूँ जहां हमने पढ़ा था, ठीक है। कोई ये नहीं सोचेगा कि नहीं ये हमारे मतलब का नहीं है, और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपके कहीं प्रमोशन में कहीं पे टकरा सकता है, बोला था ना ये मैंने बात, और उस टॉपिक में किस हेडिंग के अंतर्गत था जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वर्किंग कैपिटल के जो मेथड्स थे ना उनके बाद था। ये देखिए आपके स्क्रीन पे ला दिया मैंने, क्रेडिट मैनेजमेंट में था, ठीक है। क्रेडिट मैनेजमेंट में हमारा रिस्क को ये था एक्सपोजर नॉर्म्स, तो एक्सपोजर नॉर्म्स में दिया हुआ, देखो सिंगल काउंटर पार्टी के लिए कितना है, 20% है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एडिशनल 5% बोर्ड अप्रूवल पे मिल सकता है, ठीक है। और ग्रुप के लिए क्या बोला था यहाँ पे, 25 मस्ट नॉट बी हायर देन 25%, लेकिन ये जो परसेंटेज है किससे वो करनी है, एलिजिबल अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस एट ऑल टाइम, जो आपका कैपिटल एलिजिबल कैपिटल बेस है उसके पर डिपेंड कर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए, किसी बैंक की कैपिटल 500 करोड़ है तो वो एक सिंगल बोरोवर को कितना दे सकता है, 100 करोड़, तो इसका 20% आप ले लिया तो किसी एक को 100 करोड़ दे सकता है मैक्सिमम, ठीक है, ठीक। Yes. तो यहाँ पे 20+5 रहेगा अगर बोर्ड चाहेगा, बोर्ड की पॉलिसी में रहेगा। चलो आगे देखो, हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ बोलता है कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द ORM फ्रेम, और वो ऐसा MIS सिस्टम होना चाहिए जो ORM का आपका सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, उससे उसको रेस्पॉन्सिव होना है, उनको जो फिगर चाहिए वो मिल जानी चाहिए, ठीक। इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा अगले 15 मिनट में हम वो पढ़ेंगे
जो आपको आसान सा लगेगा। क्या हेडिंग है इसका? ऑपरेशनल रिस्क क्वांटिफिकेशन। और क्वांटिफिकेशन हमने सबसे पहले बात चैप्टर में पढ़ा था, ऑपरेशन के क्या थे, कितने मेजर, कितने मेथड हैं? तीन मेथड ठीक है। और बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में हम लोग कैसी परसेंटेज लेते हैं? 15% ऑफ पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वाला नहीं, ठीक है। अगर अगर इनकम नेगेटिव या जीरो है तो उसको क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बोला था इसने जो ग्रॉस इनकम है उसका मतलब क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बोली थी, इट इज इंटेंडेड दैट दिस मेजर शुड, प्रोविजन को क्या करेंगे? एडिशन करेंगे माइनस? एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे सर। जो पीएल को घटाएगा, क्योंकि वो आपने प्रॉफिट से साइड कर लिया, हाँ सर, जबकि रियल इनकम था आपका, बी ग्रॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे, इंक्लूडिंग जो भी आपने आउटसोर्सिंग को फीस पेमेंट करी वो भी जोड़ लेंगे, एक्सक्लूड करेंगे जो आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है किसी सेल्स ऑफ सिक्योरिटी से, ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेगुलर आइटम वेल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस। ये हमारा पॉइंट था वहां पर जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, अब बात आती है स्टैंडर्डाइज अप्रोच में। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में उसने क्या किया था कि कैटेगरी बांटी थी, कितनी कैटेगरी? 8 कैटेगरी, 8 बिजनेस लाइन। और ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, 15 और 18, ठीक है। तो उसमें तीन कैटेगरी 8 बिजनेस लाइन को कितनी कैटेगरी में बांटा उसने? 3 कैटेगरी में, ठीक है। 12, 15, ये जो सामने दिख रहा है इसमें से ये कैटेगरी कौन सी वाली है सर? 12, 18% 12 वाली है सर। और ये वाली? ये भी 12 भी 12 वाली। अच्छा, 18 वाली बताइए। चलिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ट्रेडिंग एंड सेल्स, कमर्शियल ट्रेडिंग एंड सेल्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट। ये भी किसमें है? 18% में। और 18 में एक और है, ट्रेड एंड सेल्स, ट्रेडिंग एंड सेल्स। बोला ये, ठीक है। अब यहाँ पर बुक में थोड़ा इन्होंने इस तरह लिखा है, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, जबकि इन्होंने क्या करना चाहिए था पहले? 12% के लिखने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसके लिखने चाहिए थे? 15 का, 18 का, और फिर 18 के। तो 15 के अगर आप याद कर लेंगे कमर्शियल बैंकिंग और एजेंसी सर्विस, तो आपको सेग्रीगेट करने में इजी रहेगा, क्योंकि रिटेल वाला तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कई सारे पॉइंट आए थे। क्या पॉइंट थे जो बताएंगे सर? इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सिनेरियो, इंटरनल सिनेरियो। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इंटरनल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखना था। हाँ, इंटरनल लॉस डेटा। और सर 5 ईयर का डेटा, लास्ट 5 ईयर का हिस्टोरिकल डेटा रखना था। हाँ, हिस्टोरिकल डेटा। और कितना मिटिगेशन अलाउड था उसमें? 20%, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिन लोगों ने लास्ट 10 क्लासेस हमारी बेसेल की ले ली, उन्होंने तूर सर का बेसेल वाला कोई क्लास अटेंड किया? नहीं सर, नहीं किया। अच्छा, या और कोई चैप्टर जो यहां आपने कर लिया उसका कोई चैप्टर अटेंड किया तूर सर का? हाँ सर। क्या पुराना वाला? कौन सा वाला? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, वो तो अभी यहाँ क्लास हुआ ही नहीं। हाँ, आपका लास्ट 21 में जून में जो आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ है? नहीं, अभी अभी वाला नहीं किया ना।
सर लेटर ऑफ क्रेडिट वाला आज मैं मॉर्निंग में देख रहा था। अच्छा तो कोई नया चीज निकल के आया उसमें? नहीं सर, नया चीज निकल के नहीं आया। फ्रेंकली स्पीकिंग सर की मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपका समझाने का तरीका थोड़ा मैंने अच्छा है सर, मतलब बहुत एलिबरेट करके आप डिस्क्राइब करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट आपसे अच्छा किसी का भी वीडियो है। थैंक यू, आप लोग समझते हैं। लेकिन जो सर का क्लास है उसमें केवल मैं यही एक अच्छा चीज मानता हूँ कि उसमें कंटेंट रिफाइंड है, मींस आपको रिवीजन करने के लिए, अगर आपको रिवीजन करना है किसी चीज का, ठीक है, तो रिवीजन में वो हेल्प कर सकता है। तो हो सकता है कि अभी जेआईबी की वजह से उनका सीआईबी वाला क्लास नहीं चल रहा हो, तो आप लोग जब भी उनका सीआईबी वाला मॉर्निंग क्लास चलेगा ना, ठीक है, चलता है सर? नहीं, सीआईबी में क्या चल रहा आजकल? आज तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट लिए थे, और पहले कल परसों पीछे कल उनका बैंकिंग मंडे डीएफएम सर फॉरेक्स का लिए थे सर, फॉरेक्स और कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग। हाँ तो फॉरेक्स अगर लिया है, तो अगर वो न्यूमेरिकल वाला लिया है तो जो आपने पढ़ा था उसको वो करिए, मतलब रिवाइज करिए वहां पे, ठीक है। एक्चुअली रिफाइंड रहता है ना सर उनका, इतना मतलब रिफाइंड रहता है सर, अच्छा रहता है, मगर अगर आपका क्लास हम नहीं देखे हुए रहते तो शायद कुछ चीज मिस हो जाती वहां पे समझने में। यही आपसे मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, भले ही आपको बोरियत हो रही है, लेकिन इसका इसको डिटेल में सुनने के बाद आपको हेल्प होगी, और रिविजन जो होता है वो आपको और लंबे समय के लिए रिटेन करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनकी कोई क्लास आती है तो जरूर वो करिए। अच्छा, जिन लोगों ने उनके स्टडी मटेरियल मंगाए, क्या उसको फ्रूटफुल पा रहे हैं वो लोग? केस स्टडी सर मंगाया था मैंने, उसको उस चैप्टर में जो हम यहाँ कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हो जाते हैं पढ़ने के, हो जाते हैं ना जी। ठीक है, चलो। हाँ तो अब आगे कौन सी अप्रोच? एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में हमने इंटरनल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है, और उसके बाद 5 ईयर का हिस्टोरिकल डेटा, जिसमें रिस्क मिटिगेशन कितना अलाउड किया उन्होंने, 20% इतना ब्रीफ था उसमें, ठीक। अंडर द एएमए द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इक्वल टू द रिस्क मेजर जनरेटेड बाय द बैंक्स इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट सिस्टम। इसके लिए वो 12 वाला, 12, 15, 18 वाला लागू नहीं है। यूजिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्राइटेरिया फॉर द एएमए डिस्कस्ड बिलो, यूज ऑफ एएमए इज सब्जेक्ट टू सुपरवाइजरी अप्रूवल। यानी जो आप एएमए का मेथड लाएंगे उसको आरबीआई से क्या कराना पड़ेगा, आपको अप्रूवल अप्रूव कराना पड़ेगा, तब आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इनको देखते हैं कि क्या अप्रोच है वो। तो इसने बोला द फर्स्ट स्टेप इन द मेजरमेंट अप्रोच इज ऑपरेशन प्रोफाइलिंग। द स्टेप इन्वॉल्व ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग आर, तो ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग करने का ये है, नीचे क्या क्या चीज है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उनके कौन कौन से कंपोनेंट में कितना रिस्क आइडेंटिफाई किया और कितना वो है, उस चीज को देखना। दूसरा, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क कंसंट्रेशन हॉट स्पॉट रिजल्टिंग इन लोअर एक्सपोजर। यानी वो आपके कौन से हॉट स्पॉट हैं जहां पर आपका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ बैंक्स स्ट्रेटजी फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो आपको जो ऑडिट करना है वो रिस्क के अकॉर्डिंग, अगर आपने देखा कि सुगर इंडस्ट्री में बहुत रिस्क हो रहा है तो उसका ऑडिट अलग तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, अब आई बात, मैंने बोला था एक आगे वर्ड आने वाला है आपका, वो तो क्या आने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री।
हाँ तो यही तो कह रहे हैं कि आपको रिस्क कंसंट्रेशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, हॉट स्पॉट ढूंढने हैं, ठीक। चलो आगे देखो, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल डिपेंड्स ऑन, कोई भी ऑपरेशनल रिस्क का एस्टिमेटेड लेवल निकालने के लिए तीन चीजें बोली हैं, क्या क्या बोली हैं उसने, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट, एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। तीन चीजों का एस्टिमेशन वो करना है आपने, ठीक है, और ऑपरेशनल रिस्क का एस्टिमेशन लेवल डिपेंड करता है तीन चीजों पे। तो पहला वाला क्या है, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दूसरा क्या है एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट, और तीसरा क्या है एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो इसका सीधे मैं यहां सॉल्यूशन से आगे जाता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन मार्क्स का सीधे सीधे आ सकता है। क्या चीज बोली कि एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कैसे निकालते हैं, तो उसने क्या कहा कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इनटू एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट इनटू एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तीनों का इनटू करके इनका अंडर रूट निकाल दीजिए, तीनों का इनटू करके क्या करिए इनका अंडर रूट निकाल दीजिए। अब यहां पे ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितना है यहां पे, टू मीडियम टू इनटू पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है, फोर इनटू वन माइनस इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितना, इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा वन माइनस करके यूज करना है, क्या करना है वन माइनस। इसका रीजन बताता हूं, सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में ये 80% होता, तो ये अच्छी बात है खराब बात है, अच्छी बात है 80% इंटरनल कंट्रोल इंपैक्ट है आपका, और अगर 80% होता तो आप 1-80 यूज करते, यस सर, तो कितने परसेंट आता, 20, यानी ये वाला फैक्टर छोटा हो जाता, और जब ये वाला फैक्टर छोटा होता तो पूरी यूनिट की वैल्यू छोटी होती, ठीक है। तो यहां पर जब इसको इनटू किया इन्होंने, कितना आया, 8 हो गया। अब 8 को यहां पर इन्होंने 8 को यहां 0.5 से इनटू किया तो कितना हो जाएगा, 4 और यहां पर मिसप्रिंट है, थोड़ा सा अंडर रूट है, सॉरी, तो 4 का अंडर रूट कितना जाएगा, 2, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 80% पे होता तो 2 × 4 × 0.2 तो कितना हो जाता, 1.6 1.6 का क्या आता आंसर, 4 1.26 नहीं, इसका अंडर रूट कितना आता, 4 आएगा। जब मैं मैथ पढ़ाता था ना तो 1.2 क्वेश्चन यही देख के चेक करता था कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, 1.26 इसका आएगा 1.23 या 24 आएगा सर, वो सर अंडर रूट तो लगाया नहीं ऊपर वाले में, वो मैंने अब लगा दिया ना, बुक में देखो, बुक में होगा, तो बुक में नहीं है सर, आप लगा लो, मैं नहीं है पर इसने आंसर निकाला क्या, टू सर में तो आ रहा है, अरे वो है, आप लगा लो अगर नहीं है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना फिर, कहाँ पे वो आएगा, 2 हाँ 2 आएगा, अरे वो 2% के हिसाब से 2 आएगा सर, पेज नंबर क्या है बुक का, 2 × 4 × 0.5 का पावर ऐसे लिखते हैं, 2 आया ना तो यहाँ देखिए जरा, 2 है ये, लो
जो हमारा आंसर आया इसका कितना आया, टू आया, लो आया, तो टू यहाँ पे देखो कहाँ है, ये है लो रिस्क, लो रिस्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, अकरेंस प्रोबेबिलिटी को कितने स्केल में लिया हुआ है, फाइव में लिया हुआ है। अगर आपका आंसर आता है फाइव तो इसका मतलब क्या है, और अगर आपका छोटा आता है मतलब टू से छोटा आता है तो negligible, low risk, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नो, ठीक है। और यहां पर उसने बोला हुआ जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल इंपैक्ट है उसको भी उसने कितने पे रखा हुआ है, इन्हीं फाइव पे रखा हुआ, ये लिखा मेंशन अबव। तो यहां जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू ले रहा है ना यहाँ पे, यहां जो वैल्यू ले रहे हैं ये फोर और टू कहां से उठा रहे हैं, हेलो, फोर और टू कहां से उठा रहे हैं, जो रिस्क दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस उठा रहे हैं, पांच से नीचे ही होना टू मीडियम, ठीक है। आप इसको, ये छोटी सी चीज है, इसको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्या तो पता यही वन मार्क्स आपका फोर और टू कहां से उठा रहे हैं, फोर और टू कहां से उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। अच्छा ओके सर, आप इधर देखो, रुको, ये लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ये देखो, ये सर फाइव नंबर, तो आपको सिंपल करना है, फोर फोर डी आंसर, फोर आंसर आएगा B. अच्छा, ये जीरो को समझे आप, ये सर वन माइनस माइनस जीरो, कहीं जीरो मत कर देना पूरा, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, फोर नहीं, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, हाँ ठीक है। तो इसका कितना आया, फोर आया, तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा, हाई रिस्क है, हाई रिस्क में आ जाएगा, हाई रिस्क है, ठीक है सर। ये इसको इसको लर्न कर लेना होगा ना, फाइव पॉइंट्स को, हाँ फाइव पॉइंट है, इनको नोटिस कर लीजिएगा, ठीक सर, ठीक, चलो आज की क्लास हम यही छोड़ेंगे सर, वो कल वाली क्लास का नहीं डिटेल डली ना अभी, कल वाली क्लास का नहीं डाला, डल जाना चाहिए था सर, कल कौन सी क्लास रहेगी सर, दोपहर तक तो नहीं डली थी, चलो अभी देख के डालवा देते हैं अगर नहीं डला है तो, जी सर, ठीक है। अब तक आपको अभी कभी प्रॉब्लम होना, क्लास नहीं मिल रहा तो दो तीन दिन तक उसके लिंक यूट्यूब के जिंदा रहते हैं। अच्छा सर, ठीक है, समझ रहे बात को, यस सर, तो आप यूट्यूब के लिंक से भी अपने उसमें मैसेज में जाके देख सकते हैं पीछे, ठीक। कल कौन सा क्लास होगा सर, कल अभी ये टॉपिक पूरा होगा पहले कल, सर एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ सर, अभी तक जितने ABM और BFM में चैप्टर हो गए थे उस समय एक लिस्ट सर ग्रुप में शेयर कर देते तो हमें आईडिया आता कि इतना हो गया है उतना में, अच्छा उसके